name is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. Guys, पिछले lecture में आप लोगों ने get और post request के बीच एक basic difference को सीखा था और आज के इस lecture में हम Eclipse के ऊपर एक और छोटा सा servlet program बनाकर देखेंगे ताकि आप Eclipse से थोड़ा सा familiar हो जाएं और आपकी कुछ practice भी हो जाए। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं एक new project बनाने से। कहिए new dynamic web project। इस project का नाम रख दीजिए, मैंने कहा my app 3। ये टारगेट रन टाइम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने कह दिया नेक्स्ट। इसे भी कर दीजिए नेक्स्ट। web.xml को इस बार मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था web.xml को क्रिएट करना जरूरी नहीं होता, उसकी बजाय Eclipse एनोटेशन को यूज कर लेता है और वही काम करता है जो web.xml में url डैश पैटर्न के थ्रू हम किया करते थे। तो इसे मैं कर देता हूँ फिनिश। अब इस माई एप 3 के अंदर इस वेब कंटेंट में मैं एक html फाइल बना लेता हूँ। आज के इस कोड में हम दो नंबर्स को पास करेंगे और उन दो नंबर्स को हम सर्वलेट के थ्रू कर देंगे ऐड। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है पर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार और बना रहा हूँ ताकि आप एक्लिप्स से और इन सर्वलेट्स और एचटीएमएल कोड से थोड़ा सा हो जाएं फैमिलियर। तो ये कर दीजिए नेक्स्ट, इसे कर दीजिए फिनिश। ये रहा मेरा बॉडी। बॉडी के अंदर जनरेट कर लीजिए फॉर्म टैग। फॉर्म में कह दीजिए एक्शन इक्वल टू माय एचटीटीपी सर्वलेट 3 और इसके बाद मेथड दे दीजिए। सो मेथड में मैं कहता हूँ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। आप यहाँ पर गेट या पोस्ट जो यूज करना चाहें वो यूज कर लें क्योंकि नंबर कोई सेंसिटिव चीज नहीं है जिसे मैं हाइड करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गेट भी लिख सकता हूँ और पोस्ट भी लिख सकता हूँ। एक्चुअली गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का बहुत अप्रोप्रिएट और यूनिक यूज होता है जो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, पर तब तक के लिए आप बेसिक बेसिक चीजें ही याद रखें कि पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा दिखाई नहीं देता और गेट रिक्वेस्ट करने पर डेटा यूआरएल में दिखाई देता है। अब यहाँ दो टेक्स्ट फील्ड बना लीजिए। टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं कैप्शन दे देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और इसका नाम दे दीजिए नेम इक्वल्स टू num1। चलिए यहाँ लगा दीजिए br और फिर यहाँ कह दीजिए एंटर सेकेंड नंबर और यहाँ पर कहिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और यहाँ पर कहिए नेम इक्वल्स टू num2 और यहाँ भी कह दीजिए br और एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट भी बना लीजिए। सो ये मेरा HTML पेज बनके हो गया है तैयार। अब हम बना लेते हैं एक सर्वलेट। सर्वलेट बनाने के लिए जावा रिसोर्स में जाएं, यहाँ पर एक नया पैकेज बनाएं, यहाँ लिखिए पैकेज com.servlet या जो भी आप देना चाहें, इसे कर दीजिए फिनिश। इसके अंदर बना लीजिए एक नया सर्वलेट। तो मैंने कहा सर्वलेट, इसे नाम दे दीजिए माय एचटीटीपी सर्वलेट 3 और इसे कर दीजिए नेक्स्ट। ये यूआरएल मैपिंग है माय एचटीटीपी सर्वलेट 3 और यहां पर भी मैंने लिख रखा है माय एचटीटीपी सर्वलेट 3, इसे कर दीजिए नेक्स्ट। अब रिक्वेस्ट क्योंकि पोस्ट है तो मुझे डू गेट की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, तो मैंने दोनों को कर दिया अनचेक और कर दीजिए फिनिश। ओके, सो इस टू पोस्ट के अंदर पहले तो हम वो दो काम कर लें, रेस्पॉन्स टाइप सेट करना और हमारे प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करना। तो मैंने कहा रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल और इसके बाद प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लें आप प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर क्लिक करें और कहिए इंपोर्ट प्रिंट राइटर java.io। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की हेल्प से डेटा निकाल लीजिए। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इसे पास कीजिए num1 और इसे रिसीव करिए यहाँ पर एक इंटीजर में। अब जरा एक बात का ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग और आप उसे रिसीव कर रहे हैं इंटीजर में, तो ये इंटीजर में रिसीव नहीं हो सकता, तो आपको इस स्ट्रिंग को बदलना होगा इंटीजर में विद द हेल्प ऑफ पार्स मेथड्स। तो यहाँ लिखिए इंटीजर डॉट पार्स int
और स्पार्स int को पास कर दीजिए ये पूरा request dot get parameter num1। चलिए बिल्कुल वैसे ही आप नीचे आ जाएं और यहाँ कहिए integer y equals to integer dot parse int और sparse int को पास कर दीजिए request dot get parameter और इसे पास करिए num2। ओके, तो अब मेरे पास x और y दोनों हैं, तो मैं यहाँ पर out dot println में लिख देता हूँ sum is और यहाँ कर लीजिए concatenation और यहाँ लगाइए parenthesis x plus y। आप कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स जानते ही होंगे, अगर आप यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये x कंकैटिनेट हो जाएगा सम इसके साथ और फिर y भी कंकैटिनेट हो जाएगा इसके साथ। तो मान लीजिए अगर मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो आपने x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20 दी तो यहाँ पर प्रिंट होगा सम इज 10 20। तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाएं तभी आंसर आएगा सम इज 30। चलिए तो ये मेरा कोड बन के है तैयार, इसे कर लेते हैं सेव और अब हम कर देते हैं हमारे इस HTML पेज को लॉन्च। तो मैंने किया राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर, इसे कर दीजिए नेक्स्ट फिनिश। ओके, मेरा ब्राउजर हो गया है लॉन्च और यहां पर है एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकंड नंबर। मैंने यहां पर कहा 100 और यहां पर कहा 250। चलिए इसे कर दीजिए सबमिट और सबमिट करने पर मुझे आंसर मिला सम इज 350। सो दिस इज अगेन अ बेसिक कोड जिससे आप आपके एक्लिप्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे HTML फाइल बनाते हैं और कैसे सर्वलेट कोड को किया जाता है यहाँ पे क्रिएट।